साइज के बेसिस पे हमारे डिस्पर्जन सिस्टम तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलोइडल डिस्पर्जन, कोर्स डिस्पर्जन, ठीक है। ये तीनों हमारे साइज के बेसिस पे होते हैं। तो इस वीडियो में हम इन तीनों के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहला डिफरेंस इनमें पार्टिकल साइज का होता है, क्योंकि ये साइज के बेसिस पे ही होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में जो पार्टिकल का साइज होगा वो हमारा लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, वहीं कोलोइडल डिस्पर्जन में वो 1 to 100 नैनोमीटर होगा पार्टिकल का साइज, ठीक है। और कोर्स डिस्पर्जन में जो पार्टिकल का साइज होगा वो मोर देन 1 नैनोमीटर होगा, ठीक है। तो जो छोटे पार्टिकल होंगे वो बिल्कुल मॉलिक्यूलर में होंगे, उससे बड़े पार्टिकल कोलोइडल में और सबसे बड़े पार्टिकल कोर्स डिस्पर्जन में, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड डिफरेंस आता है वो आता है अपीयरेंस का, कि दिखने में हमें कैसा दिखेगा, ठीक। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन हमें क्लियर दिखता है बिल्कुल, ठीक है। कोलोइडल डिस्पर्जन हमें क्लाउडी दिखता है, जो सॉल्यूशन होगा उसका वो हमें क्लाउडी दिखेगा, ठीक है। और कोर्स डिस्पर्जन भी हमें क्लाउडी दिखता है, ठीक है। इसके बाद आती है थर्ड पॉइंट होमोजेनिटी का, ठीक है, कि जो हमारे पास मिक्सचर होगा वो हमारा होमोजीनस होगा या फिर हेटरोजीनस होगा इन नेचर, ठीक है। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन हमारा होमोजीनस होता है, कोलोइडल में दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, होमोजीनस भी हेटरोजीनस भी, ठीक है। वहीं कोर्स डिस्पर्जन हमारा हेटरोजीनस होता है केवल, ठीक। इसके बाद फोर्थ जो पॉइंट आता है डिफरेंस का, वो आता है सेपरेशन, ठीक, कि आप इनके पार्टिकल्स को क्या सेपरेट कर सकते हो मीडियम से, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के पार्टिकल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते, डू नॉट सेपरेट, ठीक है। वहीं कोलोइडल डिस्पर्जन के पार्टिकल को आप सेपरेट कर सकते हो, और कोर्स डिस्पर्जन के पार्टिकल और भी बड़े होते हैं, तो इन्हें तो आप सेपरेट तो कर ही सकते हो। साथ ही साथ अगर आप इसको सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो ये अपने आप सेटल भी हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसके बाद एक फिफ्थ और लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास, वो आता है फिल्टरेबिलिटी का, ठीक है, कि जो पार्टिकल्स होंगे क्या वो फिल्टर पेपर को पास करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर जो होता है उसमें पार्टिकल पास कर जाते हैं फिल्टर पेपर को, कोलोइडल सॉल्यूशन इसमें भी पास कर जाते हैं फिल्टर पेपर को, लेकिन कोर्स डिस्पर्जन के पार्टिकल आपके पास नहीं करते फिल्टर पेपर को, ठीक है। तो ये इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।